नमस्कार, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई। राष्ट्रीय सूचना संस्थान यानी नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को हम कहना चाहते हैं नमस्कार और आदाब। एक बार फिर प्रोग्राम सच्चाई को लेकर के हम आपके घरों में हाजिर हो रहे हैं। प्रिय दोस्तों, सच्चाई प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जो देश की सरकार है यानी जो रखेरिंग है जिसको हम ओवरहेड भी कहते हैं, वे आपके लिए कर क्या रहे हैं, क्या उन्होंने किए हैं और क्या उनका योजना है और योजना के अनुसार वे लोग करते क्या है और करेंगे और क्या आगामी यानी भविष्य में, वो तमाम बातें हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा जरूर और उसके लिए आप अवश्य महती कृपा करें। आपको याद होगा कि हमारे देश में इस समय एक कॉन्फ्रेंसी लगाया जा रहा है और ये कॉन्फ्रेंसी कोई मामूली कॉन्फ्रेंसी नहीं है, बल्कि ये क्लीमात फरांदरिंग के विशेष क्षेत्र पर कॉन्फ्रेंसी लगाया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है प्रिय दोस्तों कि इस कॉन्फ्रेंसी में बहुत ऐसे देश के अगवाकार, बहुत ऐसे देश के बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंसी जो टोरारिका के बॉलरूम में आयोजित किया गया है, ये सूरीनाम देश को एक विशेष मौका मिला है एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी आयोजित करने के वास्ते जिसमें दुनिया भर में से कई ऐसे लोग आए हुए हैं, ये बताने के वास्ते और बात करने के लिए। दरअसल इसलिए कि हमारे जो क्लीमात फरांदरिंग है दुनिया भर में, हर एक देश में ये क्लीमात फरांदरिंग का असर होता है, मतलब कि मौसम में जो बदलाव आया है तो मौसम के बदलाव को किस प्रकार हम देखें और इससे हम किस प्रकार पेश आए, कैसे हम इसका सामना कर सके। और इसी प्रकार विशेष करके ये कॉन्फ्रेंसी में बताया जा रहा है कि कैसे हम इस क्लीमात फरांदरिंग से पेश आ सके, कैसे हमें इसका सामना करना होगा और अगर हम इसको संभालना चाहे, अगर हम चाहे कि ये जो मौसम के बदलाव है हम कैसे इससे पेश आ सके, कैसे इसका सामना कर सके और कैसे हम इससे बच सके और अपने समाज को बचा सके, तो इसके बारे में ये कॉन्फ्रेंसी दरअसल लगाया जा रहा है। बताया भी जा रहा है दोस्तों कि ये जो कॉन्फ्रेंसी हमारे सूरीनाम देश में लगाया जा रहा है ये 15 फरवरी तक रहेगा। डीएनआर फोर्स इधर जो है विशेष करके जेनिफर खेरलिंग्स सीमोंस ये भी बताए हैं उस कॉन्फ्रेंसी में अपने भाषण के दौरान कि देखिए हमें खुशी है इस बात की कि कई ऐसे देश के लोग हमारे देश में आए हैं और यहाँ पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी जो आयोजित किया गया है जहाँ दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। बताया भी जाता है कि अगर हम ये क्लीमात फरांदरिंग में सफल होना चाहते हैं, मौसम के बदलाव से हम अगर बचना चाहते हैं तो हमें एक ही काम करना होगा और वो काम दरअसल ये है कि हमारे देश में जो जंगल का हिस्सा है, जितना भी ज़्यादा जंगल है उतना ही अच्छा रहेगा एक देश के वास्ते, कारण कि उस जंगल से ही हम अपने समाज को बचा सकते हैं। आज की सच्चाई में भी हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं आपके घरों में आकर कि हमारे सूरीनाम देश में 6 और जज को यानी 6 रेक्टर्स को और स्थापित कर दिया गया है, इनको नियुक्त किया गया है यानी बईदख कर दिया गया है। बताया जाता है कि हमारे सूरीनाम देश में आपने अगर सुने होंगे जो वार नियमंत हॉफ प्रेसिडेंट है श्री रसूल बक्स जी, इनका कहना हमेशा हुआ है कि हमारे देश में सूरीनाम देश में कम से कम 40 जज का होना ज़रूरी है, मतलब कम से कम 40 रेक्टर्स का होना ज़रूरी है और अब 6 रेक्टर्स को और बनूम कर दिया गया है, इनको बईदख कर दिया गया है और इनको बईदख किए है हमारे सूरीनाम देश के जो राष्ट्रपति है श्री प्रेसिडेंट देसिरी दलानो बौतर्स। वे बताए भी उनको कि देखिए
आपको जो काम करना होगा हमारे सूरीनाम देश की जनता के वास्ते, जनता की भलाई में आपको काम करना होगा, और आप जो काम कर रहे हैं एक विशेष समस्या पर निर्भर, वो तमाम बातें जो आपके सामने रखे जाते हैं उस पर आपको फैसला लेने का जो अवसर है वो हो जाता है, और उस फैसले के आधार पर आप जो वो सब कुछ बताते हैं कि किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए इत्यादि इत्यादि, और कौन कसूरवार है कौन बेकसूर है, ये तमाम बातें आपको बतानी होगी। और इसके वास्ते आपको कम से कम वो पढ़ाई लिखाई तो करना ही होगा, मतलब कि आपको पूरा तजुर्बा होना चाहिए कि कैसे और कब आप एक व्यक्ति को सज़ा सुनाएंगे और कैसे आप अपना फैसला सुनाएंगे। हम आपको बता सकते हैं प्रिय दोस्तों कि बुधवार फरवरी की 13 तारीख को 6 जजों को, मतलब 6 रेक्टर्स को नियुक्त किया गया है, और इसमें भी बताया जा रहा है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो कई सालों से ख़ास करके हमारे जो यूस्टिसी क्षेत्र है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं, और उसी के कारण ये लोग को इतना ज़्यादा तजुर्बा हो गया है कि अब इनको बेइरख करना ज़रूरी हो गया था। इसमें एक बहुत ही जाने पहचाने नाम है जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जो एक समय में मिनिस्टर फॉर यूस्टिसिया पुलिसी भी थे, और एक समय में वो काफ़ी साल तक प्रोक्यूरर जनरल भी थे, और अब ये जज हो गया है। उसका नाम है सुभाष चंद्र पुनवासी। सुभाष चंद्र पुनवासी के साथ साथ भी एक और व्यक्ति है, एरिक रच, उसके साथ क्लेटन वालरले, मिस्टर मौरीन दयाला, लिदिया राफनबेरग, डंकन नन्हू और जेमी कस्दी पोवी जोयो, ये सब मिलकर के और कसम खाए हैं देश की जनता की भलाई के वास्ते, उसके भलाई में काम करने के वास्ते और जज के कुर्सी पर बैठने के वास्ते। तो ये 6 जज को अब हमारे तमाम जितने भी रेक्टर्स हैं उसमें शामिल कर लिया गया है, और अब सूरीनाम देश के जो संख्या हम देखें जितने भी रेक्टर्स हैं 20 थे, इन 6 को लेकर के अब 26 रेक्टर्स यानी 26 रेक्टर्स हमारे सूरीनाम देश को हो गए हैं। इस बात से हमें बेहद खुशी है, और प्रेसिडेंट ने इन तमाम लोगों को बहुत बहुत शाबाशी दे करके और इन्हें शुभकामनाएं जो पेश की है। हम गए थे एक विशेष व्यक्ति के दफ्तर में, और वो विशेष व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि हमारे सूरीनाम देश में एनफे लुफ्थाफन बहेर का अध्यक्ष यानी डायरेक्टर श्री विजय छोटकन के दफ्तर में। आप जानते हैं कि विजय छोटकन जी लुफ्थाफन बहेर का अध्यक्ष है कुछ सालों से, और वहाँ पर वे काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने उनसे काफ़ी ऐसी बातें की है कि लुफ्थाफन बहेर कैसा एक काम करने की जगह है, वहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको एक डायरेक्टर की हैसियत से क्या करना पड़ता है, और लुफ्थाफन बहेर का जो विशेष काम है वो दरअसल क्या है। तो आप सुनिएगा ज़रा कि लुफ्थाफन बहेर का डायरेक्टर श्री विजय छोटकन जी आपको क्या बता रहे हैं कि लुफ्थाफन बहेर क्या है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा विजय छोटकन। लुफ्थाफन बहेर एगो बदरेफ है जो सरनाम में जितना इंटरनेशनल लुफ्थाफन है इसे तो सिर्फ एगो बा यूहान अदालफ पेंगल इंटरनेशनल लुफ्थाफन जहाँ से सब कोई बैतलान जा है और तुरख आवे है। उस किताब के मुताबिक हम लोग के माख है सब इंटरनेशनल लुफ्थाफन ऊपरेर करे के इसाइत एगो बा सबसे बड़कुआ तो हम लोग वहाँ के बड़कुआ बाटी। लुफ्थाफन बहेर के काम है जो हम लोग के इंटरनेशनल लुफ्थाफन है कि हम लोग के जितना रीखल खीफिंग है जितना लिखल चाहिएगा करे के सब चाहिए करे के ऊपरेर करे के जितना जनता बैतलान जा है जितना जनता सरनाम में आवे है वो पहला वहीं लुफ्थाफन पर उतरे है। ना सिर्फ हम लोग के प्लेन उतारे के हुआ
लेकिन जितना जने आवे है उसके हम लोग के चाहिए मोई से खातिर भाव करे के उस सब के मोई से भीतर आवे के है कोई के नमा के कुछ होवे के मैं जितना हुआ जितना जनता हुआ काम करे है एमपी के मिलिटेर पॉलिसी के दुआन के बेउखी के लुफ्टहाफन बेहर के जनता अरे वो जे काम करे है एसएलएम के जे काम करे है लगभग रोज 1000 आदमी वहाँ अपन काम करे है ओमन से कुछ ना कुछ है जो देश में आवे है कुछ ना कुछ है जो देश छोड़ के जाए दूसरे देश ओमन भी है जे लावे है अपन फैमिली के माए बाप के भाई बहन के वहाँ उतारे पहुँचावे फत्रखाल भेंट मुलाकात हुए है वहाँ से बन रहे कुछ खाना पीना हुए है जे आवे है तो देखियो कि कितना जनता आई ओके वहाँ लेवे है जे खास रहे बा कोई कोई बात जो बहन भाई बरीसन से ना आयल है तो जब आवे तो देखियो कितना हुआ सबन कितना मोई से ओकर ओके अनफांग करे है सब ली के रोज हम लोग देख लिए कि 1000 आदमी के अफ हैंडलिंग हुआ हुए है पासाशीर अफ हालर अफ सेटर एंड पर्सनल लीडर एंड उसके मुताबिक तो हम लोग के काम क्रिया चले है पासाशीर जब देश छोड़ के जाए तो एगो एयरपोर्ट टैक्स बोल जाए ऊपर प्लेख थे भरे के उ टिकट में रहे बा जब आप टिकट की नहीं हो मोई बा कि जब एगो रईस बीरो जइयो तो एक दफे चाहे पूछ लेवे के कि टिकट हम भरी ला 700 यूरो या 700 यूएस ओमन कौन ची हमें भरे बा इस आलते खुद तो उस सब के फरप्लेखते हैं आपके समझावे के कि इतना प्लेन के खाते इतना एकर खाते इतना तो ओमन देखियो एगो बदराख है जो एयरपोर्ट के मिले है लुफ्टहाफन के मिले है और कारण ये है कि लुफ्टहाफन तो दूसरा चीज से ना चले पैसा रही तब चली तब मोई बा की जनियों की कौन सी खाद भरो है आप वन ढेर जने बोले कि हम भल्ली है मतलब स्वेयर फीस ना मोई है ई ना मोई है वहीं से हम लोग स्वेयर फीस ड्राई करेला कि जब जनता वहाँ आवे तो चाहे जे बाटो आप चाहे जोन देश जइयो या चाहे जोन देश से आइयो बहांदलिंग से अलग तो चाहिए रहे के एकवा के बहांदलिंग एकवा तो चाहिए फर्श खेल होवे के तब जोन चीज लोग थाफन करे है कि देश में जे जे आवे है मोई से ओके अनफांग करल जाए मोई से ओके देश में लेवाल जाए और जे देश छोड़ के जा है फकांसी से काम क्रिया के कारण या चाहे जोन चीज से कि वो मोई से देश छोड़ के जाए और नतीजा मोई तरफ आवे और जैसे आपने अभी सुने हैं श्री विजय छोटकन जी आपको बताएं कि लुफ्टहाफन बहेर दरअसल क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे वे लोग काम कर रहे हैं बल्कि अब आप सुनेंगे कि विजय छोटकन जी आपको क्या बता रहे हैं कि लुफ्टहाफन बहेर में कितनी ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं हमने उनसे पूछा कि डायरेक्टर जी आप बताइएगा क्योंकि समाज में बहुत सारी बातें हो रही है कि काश हमारे लुफ्टहाफन यानी हवाई अड्डे पर ऐसा होता काश वैसा होता काश वो भी थोड़ा बहुत फरांदर हो जाते यानी परिवर्तित हो जाते तो वो तमाम बातें हमने उनके सामने रखे और विजय छुटकन एक डायरेक्टर के हैसियत से बता रहे हैं कि क्या क्या इनके योजनाएं हैं भविष्य में यानी आने वाले दिनों में ये लोग क्या क्या करने वाले हैं इस समय किस प्रकार के मरम्मत किस प्रकार के जो फरांदरिंग है यानी परिवर्तन है ये इस समय हो रहा है और क्या कुछ यहाँ लुफ्टहाफन पर होगा ये तमाम बातें लुफ्टहाफन बहेर का जो अध्यक्ष है श्री विजय छोटकन जी इनसे आप आगे सुनने की महती कृपा करें हम लोग के काम है जो आदमी भवितलन जाए आवे है जनता के बात सुने के कि कौन सी बात कि उस सबके हम लोगन और कर सकल जाए कि जब उस सब आवे एयरपोर्ट पर तब कोई ना गुस्साई लेकिन हंसते खुशी से जाए और हंसे खुशी से तरह खावे ऐसे हम लोग जाने ला कि जोन टॉयलेट बा ना फालतून करे तो ओकर ऊपर हम लोग काम करेला ईसाइत मार्त ई बरीस मार्त हम लोग के डेडलाइन है कि वो जोन टॉयलेट के जितना प्रॉब्लम बा जोन महके है ना मोई से फ्लश हुए हैं सब तुराई अभी तलक मार्त ई बरीस चाहिए हम लोग को के दोन करके वो जनता के दे देवे के कि जनता आपन मोई से बात चाहे जैसे ना जैसे ओके खबर करल जाए और जब उतना जनता
1000 गो दिनुआ भर में ओके खबरोई करी आना जाना तो ओके चाहे एक भाव सफा करियो सोम्स तनी मूल करे बांध बहुत पुराना बा फरतरे खाल द्रियन त्वेन तक यार खलीद बनल है बहुत बहुत ढेर रोज हुई है तो ओमन कुछ ना कुछ मोई से चाहिएगा अंतविकल करे के मोई से चाहिए करे के तो जहाँ ईसाई जब पसाशीर जा है तो देखियो भारी से सब तोपल बा वहाँ दूसर त्वालत खुरूब बन गए बा ईसाई त्वालत पौत वत लगे हैं बतीखल हुए हैं तो ओके हम लोग खोल देवे जो मी के जनता वहाँ जा सके तो वो नावा रही तो हम ना सोचेला कि कोई गुस्सा आई और ना तुलक जनता जाने हैं कि जोन मुताबिक घरे आप बर्ताव करो हो त्वालत जा है उसके उसने चाहेगा भी वहाँ करे के ना कि आप जइयो तो उसने छोड़ दियो तनी कुछ ना कुछ मोड़ सो रही तो छोड़ ना मोहिबा वहाँ दूसर जनता भी अब आई और जो वहाँ सफा करे वो एक भावना जा सकी वहाँ ओके भी चाहिए अगोरे के जनता के खलीक ने देवे के खबरोई करे के तो जब उच्च युवा हम लोग करब है तो एकवा जो एकवा ईसाई खबरोई हुए त्वालत त्वालत खुरूब फरतरे खाल में ओके हम लोग तूरब ओके हम लोग नवा करब दूसरा तीखल लगी दूसरा त्वालत पौत लगी ओकर ओके हम लोग अंदर करब है जैसे चाहे ईसाई रहे के जैसे जनता मांगे हैं भैरे के जो त्वालत है वो तुराई जहाँ ईसाई जैसे हम लोग बोले अफसेतर जे बस में बैठ के और अपन माए बाप के लावे है अमृत होलान जाई तो सब लड़कन मिलजुल कर जे जे हुआ आवे है वो सब कुछ ना कुछ कीने है कुछ ना कुछ खा है ऊकरा में फतरे खाओ के पार्किंग भरा है वहाँ जब पार्केर करियो तो वहाँ 10 एसआरडी परे भरे के तो वो जो भरा है हम लोग को चाहिए तुरख देवे के हम लोग को चाहिए तुरख इन्वेस्टेयर करे के तो उत वाला तो ना मोइबा हुआ बड़ी पुराना है ओके हम लोग फरफाल करबे वहाँ दूसर बनी और वो जितना हुआ बतीखल करल है एक टुकड़ा जहाँ उतर के जनता ईसाई कॉफर ली के भीतर जा है एन चेक हाल जो बोल जा है ओके हम लोग सब तूरब है वो जितना बतीखलेंगे सब निकराई और ओके हम लोग अपनी तीखल करेबे जो में कि जब आजी और आजा जब जाए तो ओकर कॉफर ना टूटे उठे और ईसाई तनी ना खले के तो घड़घड़ा है ऊँचा नीचा है तो वो ना मोह लगे और कोई ना कोई तनी स्ट्रगल हो जाए ना चाहिए वो सब चीज़ तो हम लोग सब उस सब के आन पाक करबे और वो कुछ ना कुछ फूल बवाई जनता लो भी करे उस सब चीज कि जहाँ फूल बवाई कुछ ना कुछ घास बवाई और हम लोग मांगला कुछ ना कुछ सिर बांक धरे कि जोन जोन हुआ बा और जने ना मांगे बे भीतर जाए वो मांगे भैरे बैठ के अपन भाई बहन से कुछ ना कुछ गपशप करे एगो बैठ के एगो बीरी मार देवे या कुछ ना कुछ खाए तो वो मुखल खाई तो अभी चाहे रहे के क्रियर चाहिए करे के तो हम लोग ऊपर ईसाई कमाई चुकली सब कागज पत्तर इन ऑर्डर हो गए अब वही हम लोग ताकिला कि के सबसे बेस्ट ओके बना सके तब मार्च में ओके हम लोग मांगला फिर शहर ओपन करे उस टाइम लेक हम लोग के चाहिए सीकर सब चीज़ इन ऑर्डर कर देवे के इसने हम लोग भी इंटरनेट पर कमाई ला कि जहाँ आप गोर धर लो एयरपोर्ट पर और ओके चाहिए खरातस रहे कि दूसरे दूसरे देश में भरा है सरना में खरातस बा तो हम लोग मांगला कि एयरपोर्टों पर जहाँ वहाँ आई लो तो आप सब कुछ देख सकियो हम लोग इतना दूर भी मांगला जाए कि हम लोग मांगला फर्दर डिजिटली शेयर करे कि जब आप घर बैठ लो तो आपके चाहिए टेलीफोन पर मोइस देख लेवे के कि कई बजे कौन फ्लोक जाए तो जब धर ले एगो फ्लोक 4 घंटा कैंसल हो गया है फरलात हो गया है तो आपके नाम तरी हास्ती करे के महुआ न सिर्फ लुख था फंग बहर के हाथ बा वहाँ जितना उड़े बा जितना लुख फर के मास्खापे उड़े है सब के चाहिए मी वैर करे के तो जो लंबा लंबा रे बा ईसाई ऊपर हम लोग भी कमाई ला वह मिली तैर पॉलिसी वह जब देश छोड़ के जइयो तो ओके चाहिए स्टैंपल करे के और देश में आइयो तो ओके चाहिए स्टैंपल करे के वो हम लोग के हम लोग उस सबके वहाँ धर ली है वो कम वहाँ करे के उन्हें आन खलीख नहीं फंद लुख था फन हम लोग के चाहिए उस सबके कमरा देवे के काम करे के देवे के उस सबके चाहिए वहाँ अपतैत आवे के तो उस चीज़ हम लोग ईसाई बैठ के बतियाला कि कौन सी बा प्रॉब्लम हुआ काहे के तौर जो आमतनार बा एमपी के काहे के लाती का आवे है वहाँ तो नवा नवा उकारा में कांतोरों बनल है तो कौन कारण है वो तो काम है या तेल ना है वह तो सब हुए रहे बा ससे दारखस्ता सुनेर तो हम लोग ईसाई बेसक बाटी अमदाद जब बोलिए सरफेस जो क्वालिटी थे ओके चाहिए अपग्रेड करे के ऊंचा करे के तो पहला चीज़ है जो चाहिए करे के कि जनता ना मांगे देरी लिख थ्रा के अगोरे जब ढेर एक खड़े का LMI के रुकल 400 या एयरबॉस आयल बैना 300 तब
कुछ ना कुछ दुरुक्त हो जाए तो तनी अगोरिक परे है वह जे जो माए बाप है जो लड़कन के लिए के ट्रैफल करे है आवे है देश में ओके ना चाहिए अगोरिक ओके चाहिए डायरेक्ट आप हैंडल हो के ओके चाहिए दौर चल जाए के लुक था अपन बहर के भी एगो सर्विस बा ओके हम लोग करते सी सर्विस बोले ला ओ लिख था अपन बहर के फेस पेज पर फेसबुक के पेज पर है या कि कौन नंबर पर बैल कर सको या ईमेल कर सकियो कि जब देश देश में आइयो बैतलान से ईमेल कर दियो इंटरफिया इंटरनेट कि हम ऐसन रोज ऐसन फ्लक्स आवे तो 25 यूरो यूएस भरे परे हैं तो आपके सबन आगे ली के बखलाई करके भीतर कर देवे हैं तो जो हम लोग बोल सेप रूम तो वहाँ जाइयो कुछ खाना पीना रहे बा आपके खातिन तो वहाँ बैठ के गोरियो आपके पासपोर्ट आप स्टैंपल हो जाए एमपी लगे और कॉफर ले के आपके दे दी तब आप जा सको मार ऐसे हम लोग भी बेसक बाटी एसएलएम से बतियाई के वो जोन कॉफर आप हैंडलिंग है बहुत देरी लगे हैं जनता गुस्साए लगे हैं लड़कन इधर उधर दौड़े हैं माए बाप बेचारन उस सब के पास भी दौड़े लगे हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ ओमन भी अपलॉसिंग ला हो जाए उत्तुक्वा ढेर जने बोले कि देख लुक था अपन बेहद बदमाशी करे हैं अपन काम ना करे हैं इतना देरी हम ठरा हो के यहाँ कॉफर गोरिला अब लेख हम लोग के हाथ में चिजवाना बा वो एसएलएम के हाथ में बा वो है अफ हैंडलिंग कॉफर के तो हम लोग कैसे ओके मांगला अपलॉस करे हम लोग बतियाला सॉम्स कोनो कोनो तनी देरी में समझे है तो हम लोग उस सबके मोई से ब्रीफी बना के लिख के पठा कि देख ई कॉफर वन चाहिए आधा घंटा दोन हो जाएगा आधा घंटा ना दोन कर लो तो इतना इतना बूटू हम लोग मारब तो देखियो कि कुछ ना कुछ उमन परिवर्तन पर कुछ ना कुछ हुई कुछ ना कुछ हुई मैं बतियाई चाहिए और ऐसने हम लोग रोज भी सब बाटी मैं क्वालिटी फॉर द सर्विस ओकर मुताबिक और जो चाहिए करे के हम लोग सीख कर करें आज के लिए सच्चाई प्रोग्राम जो आपने देखे और सुने बस हम यही आशा करते हैं कि आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी हम फिर आपसे मिलेंगे आज के वास्ते राष्ट्रीय सूचना संस्थान यानी नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट का विशेष प्रोग्राम सच्चाई जिसको अभी आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखे इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले आपको हम ज़रूर कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर आपसे मिलेंगे हर एक को मेरा प्यार भरा नमस्कार इसी तरह आपने देखे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार